प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। पैदल आ रहे हैं, ये कांग्रेस के पार्षद है, पहला जत्था है जो वोट डालने के लिए अब अंदर जा रहा है। उपसभापति का चुनाव है, लेकिन सभापति जैसा माहौल था कर चुनाव में वो अब नजर नहीं आ रहा है। अताउल्लाह खान है, सुनील बंसल है, शब्बीर अहमद है, ये सभी वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। पहले दौर में जो है ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उपसभापति का चुनाव है, बजरंग लाल वर्मा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो नहीं पहुंचे हैं अभी तक। जो है तीन पार्षद जो है इस बार जो है इस चुनाव में है वो पहुंचे हैं, और नामांकन प्रक्रिया जो है सुबह शुरू हुई थी, उसके बाद अब जो है वोट डाले जा रहे हैं। और इस दौरान जो है पार्षद जो भी यहाँ पहुँच रहे हैं उनके उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। उपसभापति चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस के पार्षद पहुंचे हैं, कांग्रेस के जो तमाम पार्षद हैं वो वोट डालने के लिए अंदर जा रहे हैं। जिस तरह देख रहे हैं कि आप जो है युवा नेता हंसराज चौधरी नज़र आ रहे हैं, रामदेव गुर्जर जो पार्षद हैं वो नज़र आ रहे हैं, कृष्ण कुमार टांक हैं, वो ये सभापति जो है बने हैं अली अहमद जो है ये आए हैं, पहुँचे हैं अली अहमद पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कांग्रेस जो पार्षद जो कल सवाई माधोपुर पहुँचे थे वो अब सीधे जो है वोट डालने के लिए जो है अंदर जा रहे हैं। विकास लोधी हैं, राहुल सैनी पहुँचे हैं, नीरज गुजर पहुँचे हैं, मोई हैं, डॉक्यूमेंट्स की जांच करके एक एक करके जो है इनको अंदर भेजा जा रहा है। एक साथ पहुंचे हैं सभी पार्षद जो है। उमर जहाँ पहुँची, डॉक्टर उमर जहाँ रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, पार्षद बनी हैं, उनके उनकी जांच की जा रही है, अंदर जा रहे हैं वोट डालने के लिए। उनके पीछे गायत्री चौरासी नज़र आ रही है, गायत्री चौरासी है वो वार्ड नंबर 19 से जीत कर आई है।
पैदल आ रहे हैं, ये कांग्रेस के पार्षद है, पहला जत्था है जो वोट डालने के लिए अब अंदर जा रहा है। उपसभापति का चुनाव है, लेकिन सभापति जैसा जो माहौल था कल चुनाव में वो अब नजर नहीं आ रहा है। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।